सुबह हम जिस फार्म पर विजिट करने आए थे अभी हम वापस वहीं पर आए हैं। अब खुल चुका है, उस टाइम साफ सफाई चल रही थी घोड़ों की, और ये गैरी भाई की जगह है। देख सकते हैं आप, बड़ा एक्साइटेड स्टैलियन है। और ये गैरी भाई जिनके ये सभी घोड़े हैं, घोड़ा जो लिया वो सबसे इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव घोड़ा 31 लाख का नाग घोड़ा लिया सब उस टाइम का, 2010 में। हाँ जी, 31 लाख का लिया था नाग। उस समय वो 4-5 साल का रहा होगा, एकदम जवान घोड़ा था। 5 साल खासियत थी क्या? खासियत तो जिसने देखा है वही समझ सकता है। अब क्या उसको मतलब, ऐसा ब्यूटीफुल घोड़ा ही नहीं आज आज की नहीं होगा। अभी नहीं है आपके पास? वो चेन्नई सेल कर दिया, फिर एक्सपायर हो गया दो साल पहले एक्सपायर। बेटा वो लेके आ हूं, वो जेड़ा कमैत बच्चा एकलव्य ज्यादा लगाम पाला जे तंग करदा कल्ले नु है भी वो मथे फुल वाला डरोने दा। अरे घोड़े ही नहीं, कोई घोड़ी है कोई घोड़े हैं, इधर इधर घोड़े हैं, नर हैं वो आगे, ये बच्चियां हैं। कम से कम प्राइस क्या है स्टार्टिंग प्राइस क्या है? यहाँ पे एक बच्चा है जो के 5 लाख में देने, बाकी सब 10 लाख से। 10 लाख सर, आपको देख के एक बात कहना चाहूंगा सर कि शौक हो तो ऐसा। थैंक यू जी, पूरी मंडी घूम ली, बाकी आपको देख के ये बात निकल रही है मन से कि शौक हो तो ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू। A1 क्वालिटी के घोड़े पूरे आपके, जितने भी आपने अलग अलग पेडक में डाल के रखे हैं। थैंक यू। हम साल में एक ही मेला लगाते हैं जी, वो है पुष्कर जी। रीजन बीइंग यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, लंबा चलता है। इतनी सेटिंग्स करनी है तो एटलीस्ट 14-10 दिन मेला चलना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि सेंटर पड़ता है, जो गुजरात से आते हैं उनको भी 700-600-400 किलोमीटर, पंजाब से भी 700 पड़ता है। हाँ, तो एक सेंटर पॉइंट से में होने की वजह से लोग इजीली, हर कोई यहाँ पे पहुँचता है। सही। और पिछले 15 साल से कंटिन्यूसली हम ये मेला, 15 साल से आप कर रहे हो ये मेला। अभी टोटल कितने लाए सर आप? 25 एनिमल्स लाए हैं। 25 एनिमल्स लाए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये घोड़े टोटल 25 जानवर लेकर आए हैं यहाँ पर गैरी भैया। आपको पूरे 25 के 25 दिखाऊंगा दोस्तों मैं। कौन सा YouTube चैनल है अपना? ईशु कुमरावत ब्लॉग्स। अब इस एकलव्य को घोड़े को बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से। ये द्रोणा का बच्चा है एकलव्य। यार मेनू तोड़े वो बंदे नहीं दिख रहे कहीं वाले। आ किधर कट्टा?
जब भी एक घोड़ा बाहर निकलता है दोस्तों, आसपास के चार घोड़े उसको देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। देखना कर भी रहे ने, अगला बैठा रहू आथन नु कहना उन्हें दिहाड़ी दे रहे हो जी, निगरानी रख लो यार माड़ी जी। और ये सामने एक और बहुत ही खूबसूरत स्टालियन, इसको लगाम की आदत कम है, हॉल्टर की आदत है। चल बेटा बैठ जाके पाला, आए रस्से जे मुड़ के भजन लगे उपर जे सिट के ना मड़ेगा, इहदी आदत ए ओही बण जद आउंदा सीधा गल च ला लो जे। लूसन चक लिया यार माड़ा जा, लूसन लै गया बाकी हूने लाया ना, पांच मिनट ही हो।